नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज मैं फिर आप लोगों के सामने झारखंड का एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ, झारखंड के नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। पहले मैं डिफरेंस बताऊँगा, वो राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ, इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाइफ और जैविक उद्यान, इसको जू कहते हैं। पहले ये तीनों में मैं डिफरेंट बताऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सारे फैक्ट्स, जितने भी चीज़ इसमें आएंगे, सारे के सारे कवर करता जाऊंगा वन बाय वन। देखिए, पहले राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों में डिफरेंट बता देता हूँ, फिर जू बताता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जहाँ जिसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाएगा ना, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे ये इसको राष्ट्रीय उद्यान एक जंगल को घोषित कर दिया है, यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ जा नहीं सकता। उस जंगल में का कोई भी चीज़ कोई आदमी यूज़ नहीं कर सकता, जैसे लकड़ी काट नहीं सकता, वहाँ पे खेती नहीं कर सकता, सारे तरह का पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कोई वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर किसी का घोषणा कर दिया जाता है तो यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं। जैसे जिसका खेत है वहाँ जाके खेती करेगा, किसी का फैक्ट्री लगा हुआ है फैक्ट्री अपना चलाएगा, कोई आदमी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आदमी के गांव भी रहते हैं, उस तरह के रहेंगे कि वो उस सारे एक्टिविटी कर सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई आदमी, लेकिन वो बिना किसी जंगली जानवर को नुकसान पहुँचाए हुए। ये है, ये छोटा चीज़ होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी बैन है, यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू किसी दूसरे जानवर को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये नेशनल लेवल का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका ध्यान रखता है, ये स्टेट लेवल का होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसका ध्यान रखता है। तो बहुत अंतर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, बहुत अंतर है। जैसे बेतला नेशनल पार्क में आप जा नहीं सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आराम से एकदम स्वच्छंद होके जानवर घूमते हैं, यहाँ भी जानवर स्वच्छंद होके ही घूमते हैं, बट लिमिटेड जानवर के, जब आदमी ह्यूमन एक्टिविटी होंगे थोड़ी जानवर की परेशानी होगी, लेकिन दोनों को मिला के दोनों जीवन चलता है यहाँ। और जू क्या होता है, यहाँ पे कोई भी जानवर स्वच्छंद नहीं जी सकते। ठीक है, यहाँ पे पिंजड़ा में, अगर शेर है तो पिंजड़ा में रखे, पिंजड़ा में रहेगा, केज में रहेगा। यहाँ कोई छोटी सी एरिया होती है, उसी एरिया में बाघ का ये एरिया, चीता का ये एरिया, वो एक पिंजड़े केज में रहता है। तो ये अंतर है, तो इससे पहले अंतर अगर समझ जाएंगे तो बहुत सरलता से आप बाकी के फैक्ट्स को टच कर पाएंगे। तो ये अगर आप समझ गए तो इसके बाद मैं शुरू करता हूँ, झारखंड से कितने राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने जू है, क्या क्या है, सारे कवर करूँगा, बस लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए, पहला मैं ये करता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है वो सब देखता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एक छोटा चीज़ नहीं होता, बहुत बड़ा चीज़ होता है। लिमिटेड राष्ट्रीय उद्यान है इंडिया में, ये नहीं कि जितने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको राष्ट्रीय उद्यान अपना समझें। देखिए, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, ठीक। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, वन्य जीव अभयारण्य, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य टोटल 11 है। ये तो आप गांठ बांध के याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएंगे। और जू जो है, जू भी है कुछ, लेकिन ये कितने हैं, मेनली तो 4 है, बाकी छोटा छोटा बहुत जगह बन रहे हैं। और क्या है, यहाँ पे कुछ पक्षी विहार हैं, 4 फेमस पक्षी विहार हैं। ठीक है, एक पक्षी विहार को, कुछ पक्षी को वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही इंक्लूड कर लिया गया है। उसके अलावा जो पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी, इसको पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी कहते हैं इसको, 4 है। ठीक है, गज अभयारण्य 1 है, हाथी का अभयारण्य 1 है। ये गज अभयारण्य भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही काउंट होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले जो एकलौता नेशनल पार्क है बेतला के बारे में। ठीक है, बेतला के बारे में देखिए, बेतला से क्या क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क में इंडिया में सबसे पहले बाघों की गणना अगर हुई है, बाघों की गिनती, तो बेतला में हुई थी, क्योंकि 1932-33 के
समय दुनिया जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे या पार्क थे, उस समय ये जब गणना हुई थी तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ ये नेशनल पार्क नहीं था। उसमें बेतला में बहुत अच्छा बाघों का उन्नति हुआ था, बहुत बाघ बढ़े थे। तो 1932 ईस्वी में सबसे पहले बाघों की जनगणना इसी नेशनल पार्क से हुई थी 1932, तब ये नेशनल पार्क नहीं था दोस्तों, 1932 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 1932 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1973 में, ठीक है, 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगरों की संख्या बहुत कम हो गई इस दशक में, यहाँ तक आते आते टाइगर की संख्या पूरे दुनिया में कम हो गई थी, दुनिया में नहीं इंडिया में कम हो गई थी। तो उस टाइगर हमारा नेशनल, उस समय नेशनल हमारा ये पशु था ये, तो उसको बचाने के लिए टाइगर जैसे इंडिया से विलुप्त ना हो जाए, इसलिए पूरे इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। तो उस टाइगर प्रोजेक्ट बेतला में 1973 में चलाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी 1973 में ही हुई थी पूरे इंडिया में, उसी तहत 1973 ईस्वी में बेतला में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया कि टाइगर को बचाया जाए, टाइगर को खाना मुहैया कराया जाए, उसका सिक्योरिटी किया जाए, टाइगर कहीं गांव में ना चला जाए, गांव के आदमी मार देते हैं, शिकारी मार देते हैं, इस सब से बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में बनाया गया। और देखिए 1986 में क्या हुआ, 1986 में अभी तक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, 1986 ईस्वी में नेशनल पार्क बना दिया गया, नेशनल पार्क। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नेशनल पार्क कब बना, 1986 ईस्वी में। तो ये 1986 से मैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोड़ के नेशनल पार्क बन गया दोस्तों। ये देखिए पलामू नेशनल पार्क नाम सुने होंगे, पलामू सॉरी पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी भी है, इसमें हम पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी पढ़ेंगे। तो ये पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा था, उसमें से जिस एरिया में बाघों की संख्या ज़्यादा थी उस एरिया को बेतला नेशनल पार्क में काट दिया, बेतला नेशनल पार्क, और इस एरिया को बेतला बना दिया, वो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। और जो एरिया इधर रह गया उसको अभी भी पलामू वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, जीव अभयारण्य। इससे क्या पता चला कि पहले जो बेतला नेशनल पार्क था वो पलामू वन्य जीव अभयारण्य ही था। ठीक है, बाद में जब काट के इतने बड़े एरिया को नहीं कर सकते हैं घोषित, तो जिधर है बेतला एक काट के अलग कर दिया गया, ये नेशनल पार्क है और ये सेंचुरी ही रह गया। ठीक, और सबसे बड़ी बात है देखिए पलामू नाम है, पहले पलामू जिला में हुआ करता था, जब लातेहार कट के अलग हो गया तो ये लातेहार जिला में आ गया। और ये देखिए पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य नाम है लेकिन ये लातेहार जिला में है, अब लातेहार में आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदमी कन्फ्यूज होता है कि पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, फट से मार देगा पलामू में। हाँ ये बात सही है, कुछ एरिया इसके पलामू को टच भी करते हैं, कुछ एरिया एकदम थोड़ा सा एरिया टच करता होगा। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी लातेहार में। क्लियर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इस बेतला नेशनल पार्क से कौन कौन नदी क्रॉस करती है। देखिए दो नदियां हैं दोस्तों, एक बरहा नदी, बरहा नदी, दूसरा उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। ये दो नदी बीचों बीच बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों नदी जाके सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे जाके बिहार में, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कौन कौन सा नदी क्रॉस करती है बेतला नेशनल पार्क को। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दोस्तों, ये इसी नेशनल पार्क के भीतर ही अभी पलामू का किला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पलामू का किला कहाँ है, ये इसी नेशनल पार्क से टच करता हुआ है। ठीक है, उसके आउटर एरिया में है बेतला नेशनल पार्क से, जब बेतला आप देखने जाएंगे तो पलामू का किला भी दिख जाएगा। तो आप कितने क्वेश्चन बन गए, पलामू का किला उत्तर कोयल नदी के किनारे है, पलामू का किला कहाँ, बेतला नेशनल पार्क में ही है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, और देखिए पलामू का किला नाम पलामू है, ये पलामू जिला में नहीं है, लातेहार जिला में है, याद रखिए क्वेश्चन।
पलामू का किला लातेहार जिला में है, पहले थे पलामू में, पलामू से कट के लातेहार बना है ना। अब देखिए क्या वो पलामू वन्य जीव अभयारण्य भी लातेहार में है, उस अभी पलामू कट के लातेहार बन गया, तब लातेहार में आ गया था। तो देख लीजिए ये बहुत ही सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में बना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बाघ का काउंटिंग 1932 में हुआ, बरहार उत्तरी कोयल इसको क्रॉस करता है, पलामू का किला इसी बेतला नेशनल पार्क में है। चलिए यहाँ तक क्लियर कर दिया, अब हम चलते हैं 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर, वन बाय वन सब कवर करते हैं। देख लीजिए 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पढ़ना है तो पहले आपको पलामू पढ़ना पड़ेगा, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यही है ना, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी को काट के ही ना बेतला बना दिया गया, दोनों एक दूसरे से टच है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बेतला एक दूसरे से टच है, सिर्फ एक वर्चुअल बाउंड्री बना हुआ है, ठीक है। तो पलामू इससे क्या, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य इसमें आपको क्या क्या याद रखना है दोस्तों, देखिए बेतला में बाघ है तो बाघ तो कुछ इसमें भी होगा ना, तो बाघ तो इसमें है ही ऑलरेडी। ये झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा, ठीक है, और नेशनल लेवल का झारखंड में इकलौता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नेशनल लेवल का है, ठीक, नेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल का है। बाकी जो अब 10 बच गए ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटे छोटे हैं, नेशनल लेवल का है नहीं, थोड़ा बहुत दालमा जो है वो बड़ा है, लेकिन पलामू ही ये इंडिया लेवल का है, ये आपको याद रखना है। तो ये उसके बाद आता है हजारीबाग, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य आपको याद रखना, ये किस लिए फेमस है, तेंदुआ के लिए, ठीक है, ये तेंदुआ के लिए फेमस है। उसके बाद आप याद कीजिए 3 नंबर महुआ टाण, भेड़िया अभयारण्य, भेड़िया अभयारण्य, अभयारण्य महुआ टाण, महुआ टाण, ठीक है, इसको तो आपको पता ही होगा, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए भेड़िया अभयारण्य पूछेगा, भेड़िया अभयारण्य झारखंड में कहाँ है, दैट इज महुआ टाण, महुआ टाण क्या है, कहाँ है दोस्तों, लातेहार का ही एक अनुमंडल है, महुआ टाण लातेहार का एक अनुमंडल है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा झारखंड स्टडी में। तो इसी महुआ टाण में भेड़िया अभयारण्य है, इसको घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, इसको यदि महुआ टाण भेड़िया अभयारण्य नाम है तो इसको पूछ देगा कि भेड़िया अभयारण्य कहाँ है महुआ टाण में, महुआ टाण हटा ही देगा किस जिला में है, लातेहार जिला में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। चौथा है दालमा, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है दोस्तों, ये है ईस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर के पास, जब सब लोग जमशेदपुर जाते हैं ना इसे घूमने जाते हैं। देखिए इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपको याद हो गया कि दालमा वन्य जीव अभयारण्य नाम के पीछे क्या है, क्योंकि जो जंगल है ना उसके बीच में वो एक पहाड़ों में है जिसे दालमा पहाड़ कहते हैं, दालमा रेंज, दालमा रेंज, ठीक है, दालमा पहाड़ का नाम है, इस वजह से उस वन्य जीव अभयारण्य को दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दालमा रेंज कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में, दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में, बस जस्ट जमशेदपुर के आसपास, इस वजह से इसके नाम है। आपने सुना होगा हाथी, पूरे झारखंड में हाथी ने अटैक कर दिया, कहीं झारखंड में देखो किसी गांव में अटैक कर दिया, सारे दालमा से ही हाथी निकल के आते हैं, दालमा से ही बिछड़ के आते हैं जंगल खो के। तो देखो दालमा किस लिए फेमस है, मैंने बताया था एक गज अभयारण्य है इंडिया झारखंड में, दैट इज दालमा, ये गज अभयारण्य है। इसमें एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी वन्य जीव अभयारण्य में एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया है, एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी को कंजर्वेशन देने के लिए, हाथी को प्रोटेक्ट करने के लिए कब चलाया गया, 2001 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाथी, हाथी के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य फेमस है, दालमा।
एलिफेंट प्रोजेक्ट कहाँ चला? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में, और कब चला? 2001 में चला, क्लियर। और दालमा रेंज भी आप याद कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब का एक ही दिन 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था। 1976 से पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था ही नहीं, ठीक है। 1976 के 10 साल के बाद पलामू को, 10 साल के बाद 1986 में पलामू को काट के लातेहार बना दिया गया था, लातेहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर। तो इसको किसी तरह से याद रखिए, PHBD भेड़िया अभयारण्य, कैसे भी याद रखिए, PHBD करके याद कर लीजिए, PHD याद कर लीजिए कि PHD 1976 में बना है। ये बी को किसी तरह आप याद कर लीजिए, वो आपका तरीका है, अपना ट्रिक्स बना लीजिए दोस्तों, और अभी ट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये चार मैंने बता दिया, उसके 1976 ईस्वी में ये सब काम हो रहा है, और 1978 दो साल के बाद और दो वन्यजीव अभयारण्य, और दो वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के लिस्ट में जोड़ा गया, ठीक है। दो 1978 में तोला, उसको तोला आप कह सकते हैं, तोला को जोड़ा गया, ठीक है। 1978 में एक तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, और ला से लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य, लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य, ये दो वन्यजीव अभयारण्य याद रखिए। तोपचांची कहाँ है? धनबाद में, धनबाद जिला में है, और ये लवालोंग चतरा जिला में है। चतरा लवालोंग एक जगह का नाम है, ठीक है, तोपचांची भी एक जगह का नाम है, उस वजह से इस अभयारण्य का नाम पड़ा। तोपचांची एक जगह का भी नाम है, तोपचांची झील भी है। पूछेगा तोपचांची झील कहाँ है भाई, तोपचांची झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोपचांची झील कहाँ है? दैट इज धनबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस झील के भीतर में एक पहाड़ी टाइप का है, ठीक है, उस पहाड़ी को बोला जाता है हरी पहाड़ी। ये भी क्वेश्चन आता है कि हरी पहाड़ी कहाँ है, दैट इज धनबाद में, धनबाद में कहाँ है, तोपचांची झील के भीतर, ये हरी पहाड़ी कहते हैं। ये आपने, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों 1978 में। अगला चलते हम लोग पारसनाथ, फिर डेट सिर्फ वो चार जो पहले बता दिया था उसका, और यही दोनों का याद रखना है, बाकी का डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, एक गिरिडीह जिला में पारस, ये तो आपको पता ही होगा पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ होगा, अगर पता भी नहीं होगा तो नाम से पता चल गया, जीव अभयारण्य कहाँ है, पारसनाथ पहाड़ कहाँ है, गिरिडीह में, इसलिए गिरिडीह, इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। कब बना ये याद मत रखिए, इसका नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। ये सातवां हो गया वन्यजीव अभयारण्य, अब आठवां वन्यजीव अभयारण्य का नाम है कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, देखिए नाम से ही पता चला कोडरमा, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया दोस्तों, इसका नाम गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य हो गया, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभयारण्य, क्यों क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध के प्रमाण मिले हैं, बौद्धिस्टों के प्रमाण मिले, वहाँ गौतम बुद्ध के मूर्ति मिले थे उस कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य में, तो उनके ही नाम को ही कर, उसी के नाम पे कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य का नाम गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, दैट इज इन कोडरमा। उसके बाद नौवां नंबर है पालकोट, पालकोट कभी राजधानी हुआ करता था नागवंशियों का, पालकोट गुमला जिला में, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य गुमला जिला, ठीक है, गुमला का एक अनुमंडल भी है पालकोट, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर आपका होगा उधवा, 10 नंबर उधवा, ये उधवा पक्षी विहार है, ये पक्षी विहार है, इस पक्षी विहार है, यहाँ पर पक्षी आते हैं जाड़े के दिनों में, यहाँ पे स्पेशल मतलब दूसरे स्टेट से पक्षी आते हैं। उधवा एक ब्लॉक है साहिबगंज में, ठीक है, उधवा कुछ नहीं है दोस्तों, साहिबगंज में एक ब्लॉक का नाम है, इस वहाँ पे ये पक्षी विहार है, इसीलिए
इसका नाम उधवा पड़ा। और देख लीजिए उधवा पक्षी विहार, इसके अलावा भी चार पक्षी विहार अभी आप पढ़िएगा, लेकिन उधवा पक्षी विहार जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पक्षी विहार झारखंड का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट होता है, दैट इज उधवा। बाकी जो चार अभी हम लोग पढ़ेंगे, तिलैया में है, चंद्रपुरा में है, तेनुघाट में है, और एक ईचा है, ईचागढ़ नाम है सरायकेला में, वो चारों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं काउंट होता है, वो तो सिर्फ उसको बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। 10 हो गया, 11 नंबर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट होता है दैट इज राजमहल पक्षी विहार। राजमहल पक्षी विहार ये भी पक्षी विहार है, और ये भी पक्षी विहार, और ये भी इसमें मिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, दोनों है। देखिए ये भी साहिबगंज में है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी के पास, राजमहल की पहाड़ी में ही ये है, ठीक है। तो दो पक्षी विहार, मैं पहले एक सोच रहा था, दो पक्षी विहार है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला हुआ है, उधवा और राजमहल को। तो यहाँ मैं टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य अभी आपका क्लियर करा दिया। अब हम जू पे चलते हैं, ठीक है। जू पे देखिए, जो आपको जू पता ही है, जीव में कोई जानवर स्वच्छंद घूम नहीं सकता है, वो पिंजड़े में रहता है, कैद रहता है, ठीक है। तो देखिए चार फेमस जू है झारखंड में, ठीक है। एक बिरसा भगवान जैविक उद्यान, बिरसा, देखिए इसको जू को जैविक उद्यान बोलते हैं हिंदी में, बिरसा भगवान जैविक उद्यान, उद्यान और मांझी में है, रांची में, और मांझी जगह का नाम है, और मांझी, और मांझी ब्लॉक है रांची में, ये आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। दूसरा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में, सिटी पार्क बोकारो का नाम सुने होंगे ना, एक जगह का नाम है सिटी पार्क, वहीं पे है ये, बहुत ही सुंदर जगह है, मैं गया हूँ वहाँ पे, बोटिंग उटिंग का बहुत, टॉय ट्रेन ये सब बहुत मिलेंगे आपको इस पार्क में, आप भी कभी जाएं उधर तो ज़रूर जाइए। यहाँ पे एक बिरसा मृग विहार, तीसरा जू कौन है, बिरसा मृग विहार, मृग विहार ये कहाँ है, काला खूंटी ज़िले में है, खूंटी ज़िले में है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काला माटी जंगल कहाँ है, तो खूंटी ज़िले के काला माटी जंगल में बनाया गया है, इसमें सिर्फ मृग, ठीक है, मृग का ही ये मिलेगा आपको, मतलब अलग अलग किस्म के आपको वहाँ पे हिरण मिलेंगे। चौथा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ठीक है, रुक्का, इस जगह को रुक्का या मुटा भी बोलते हैं, मुटा या रुक्का, ठीक है, रांची में। ये चार फेमस जैविक उद्यान है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लें, इसमें याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर आप याद करें, दैट इज जू, ठीक है, ये नॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाइदर नेशनल पार्क, जू एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। घूमने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी आदमी जाते हैं, लेकिन वो केज के भीतर रहते हैं, जो आदमी जाते हैं देखने के लिए, गाड़ी में पिंजरा बनाया होता है उसके अंदर आप घुस जाइए और देख के आइए, लेकिन जू में तो जानवर ही पिंजरा में रहता है। अब क्या क्वेश्चन आता है, पक्षी विहार, पक्षी विहार, देखिए पक्षी विहार अभी तक 6 पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, उधवा पक्षी विहार, पक्षी विहार और राजमहल पक्षी विहार, शिविहार, ये दोनों जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, झारखंड का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। बाकी इसके अलावा और चार है, देखिए तिलैया पक्षी विहार, विहार तिलैया डैम कहाँ है, तो तिलैया डैम के पास ही है ये, कोडरमा में, ठीक है। उसके बाद चंद्रपुरा, छोटा छोटा है ये दोस्तों, ये दोनों थोड़ा सा बड़ा एरिया, चंद्रपुरा पक्षी विहार, बोकारो, ठीक है। तीसरा है तेनुघाट, तेनुघाट पक्षी विहार, ये भी बोकारो में है,
चौथा है ईचागढ़, ईचागढ़ ईचा डैम भी है ना, ईचा डैम भी है एक, ईचागढ़ पक्षी विहार, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सरायकेला में है, सरायकेला खरसावां जिला में, ठीक है। ये चार आपको पक्षी विहार है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट नहीं होता है, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या झारखंड में ये जंगली जानवरों के लिए बनाया गया है। सो देखिए, इसके अलावा जो झारखंड में जंगली जानवरों के लिए बनाया गया है, अब नक्षत्र वन, सिंधु कानू पार्क रांची में, वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा, नक्षत्र वन, नक्षत्र वन में पक्षियों के लिए बहुत व्यवस्था किया गया है, रांची में है। और सिद्धू कान्हू पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, ये दोनों आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये रांची में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक देखिए नेचर क्लब के द्वारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जीवों को ई करने के लिए, संरक्षण देने के लिए नेचर क्लब, एक सिर्फ ये वर्ल्ड लेवल पे ये नेचर क्लब चल रहा है, ठीक है, जानवरों की, वाइल्ड लाइफ की को कंजर्वेशन करने के लिए, बचाने के लिए, तो वर्ल्ड लेवल पे है नेचर क्लब। इस नेचर क्लब ने काम किया है झारखंड में, जो है कि फॉसिल पार्क बनाया है, फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क कहाँ है, ये साहिब मतलब राजमहल की पहाड़ी के में, राजमहल की पहाड़ी में, पहाड़ी में मतलब साहिबगंज में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फॉसिल पार्क कहाँ है, राजमहल की पहाड़ी में, राजमहल की पहाड़ी पता ही है आपको, साहिबगंज में है। और किसने बनाया, नेचर क्लब ने, ये बहुत बड़ा क्लब है, पूरा मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये चलता है, उसको फॉसिल पार्क या जीवाश्म पार्क कहते हैं, जीवाश्म पार्क ये बनाया गया है दोस्त, जो पुराने जमाने में जो जानवर उनवर थे उसका मतलब एग्जीबिशन के लिए, जिसकी फॉसिल्स मिलते हैं, जिनके मतलब अब नहीं है, विलुप्त टाइप के हो गए हैं। प्लस ये जो अभी वर्तमान में जो राजमहल की पहाड़ियों में जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसको भी सुरक्षा प्रदान करता है, ये इसका काम है दोस्तों। तो एक जू और भी फेमस हो गया आजकल, नया बना है, टाटा स्टील जंतु उद्यान, टाटा स्टील जू, जंतु उद्यान थोड़ा जू मान लो इसको, टाटा स्टील जू या टाटा स्टील जंतु उद्यान या जैविक उद्यान, ये जो है टाटा ने अभी हाल फिलहाल में टाटा कंपनी ने बनाया है, तो कहाँ बनाया होगा, 100% श्योर है कि जमशेदपुर में बनाया गया है। और एक चीज़ है दोस्तों कि एलिफेंट रिजर्व, झारखंड के किस जिला को एलिफेंट रिजर्व माना गया है, एलिफेंट रिजर्व, वही दालमा के पास जो है सिंहभूम जिला, सिंहभूम में तीनों सिंहभूम आ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में आपको सिंहभूम ही मिलेंगे। तो जो सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, तीनों जो है उसको एलिफेंट रिजर्व माना गया, कि माना गया को वो सब एरिया में आप हाथी विचरण कर सकता है, आप लोग अपना ख्याल रखें और हाथी से बच के जिए, ये है कि हाथी वहाँ पे हाथी का प्रकोप हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इतना ही काफ़ी है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और जैविक उद्यान में, इतना आपने पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन दबा लीजिए, और मैं सिंपल बार बार कहता हूँ, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, धन्यवाद।